सर मैं देश के 140 करोड़ लोगों को ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि लालू यादव जी बेहतर हैं और उन्होंने हालचाल पूछा, अपनी पीड़ा भी बताई, जो दर्द या बिहार के ही नहीं देश के लिए और लालू यादव जी को चाहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक सुखद क्षण है। अत्यधिक पीड़ादायक पल था वो जब उनकी तस्वीर बाहर आई थी, लेकिन जिन परिस्थितियों में लालू यादव जी हैं, हमारे जैसा व्यक्ति कभी ये कल्पना नहीं कर सकता था कि लालू यादव जी ऐसे हालात और ऐसे परिस्थिति में कभी रहेंगे। वक्त और परिस्थितियां कभी कभी सदी महानायक को परेशान करती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पेन है लालू यादव जी का जल्द रिलीफ हो और ख़ास तौर पर जो किडनी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, गंभीर विषय किडनी का है, जब जो चोट जो साइड टूटा है, मुझे लगता है कि जब तक वह जुट नहीं जाता है, एक तरह से लालू जी क्योर नहीं हो जाते हैं, तो किडनी के लिए डॉक्टर्स क्या सलाह देंगे वो उन पर निर्भर करता है, लेकिन अभी तत्काल पहले से बेहतर लगे लालू जी और सुकून देने वाला पल था लालू जी को देखने के। दया शंकर पांडे फुलरिया पंच मंदिर के पुजारी हैं। हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी का सीढ़ी से फिसलने से चोट लगने के कारण उनका स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ चुका है, जिससे हम नहीं हमारा पूरा देश उदास है और हम यही माता जी से यही प्रार्थना करते हैं, दिन रात तपस्या में लगे हैं कि वो जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो जाए।